हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं क्वायर रोप से एक डोरमैट बना रही हूँ। पहले मैं जैसे बोल रही हूँ ऐसे एक लूप बना लीजिए। फिर ऐसे रस्सी को इसके अंदर से डालिए और फिर से फिर दोबारा और ऐसे करके एक के अंदर एक रेस। आप 10 लूप का एक चेन बना लीजिए। दस हो जाने के बाद इसको फिर टर्न करना पड़ेगा। इसको फिर टर्न करके साइड से इसको दोनों घर को एक साथ में लेकर फिर एक के अंदर एक डाल के फिर से ऐसे बुनाई चलता रहेगा। फिर से यहाँ से टर्न करना है। ऐसे 5 लाइन बुनाई करनी है। 5 लाइन खत्म होने के बाद इसको रेक्टेंगुलर शेप देने के लिए एक लूप ज़्यादा करनी है। ऐसे करके एक ज़्यादा करके फिर इसको टर्न करना है। ये बनाने के लिए मुझे अराउंड 60 मीटर रस्सी लगे हैं। ये मैं लोकल मार्केट से ख़रीदी हूँ। ऑनलाइन में इसका लिंक मिल जाए तो मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगी। क्वायर रोप का काम कंप्लीट हो गया। अभी इसको थोड़ा सुंदर बनाते हैं। मेरे बच्चों का दो पुराना टी शर्ट लेके मैं इससे टी शर्ट का रोप बना रही हूँ। इससे 1 इंच के हिसाब से मैं स्ट्रिप कट कर रही हूँ।
पीसेस को अटैच करने के बाद इसको थोड़ा लंबाई में खींचने से ये रस्सी जैसा बन जाएगा। मैं मोटा सा एक वायर लेके इसके पीछे की तरफ थोड़ा मोड़ ली हूँ। मोड़े हुए जगह में मैंने टी शर्ट यार्न को बांध के सुई जैसा बना ली हूँ। अभी इसको चारों तरफ से जितने भी चेन है उसमें एक बार पका लीजिए। आप इसको उंगली से भी कर सकते हैं। ट्वेल्व सेंटीमीटर करके दोनों कलर के 70-70 पीसेस मैं काट की हूँ। और एक इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ फिर मिलते हैं। टिल देन बाय, टेक केयर।